हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रही है जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 झारखंड इतिहास के सामान्य ज्ञान में। आज हम चौथा शासन व्यवस्था की बात करेंगे, फोर्थ शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था नंबर 4। छात्रगण, अभी तक हमने देखा और समझा मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आज बारी है हेडिंग लिखने का। हेडिंग लिखिए आप लोग। हेडिंग होगा मांझी परगना शासन व्यवस्था। ये छात्रगण आप बता दें एक बात, इसमें अभी तक इसके पहले मुंडा, नागवंशी और पढ़ा, हमने देखा कि इन तीनों की शासन व्यवस्था में शासन की इकाई औसत रूप से दो भागों में ही विभाजित है, एक ग्राम स्तर पर और एक उच्च स्तर पर। जैसे मुंडा में ग्राम स्तर पर प्रधान को मुंडा बोलते हैं और सबसे उच्च स्तर जो होता है वो पढ़ा होता है। दो ही डिवीजन था, कहीं कहीं राज देखने को मिलती है। हमने ये भी देखा कि नाग वंशी व्यवस्था में भी मुंडाओं की तरह ही ग्राम पर मुंडा और बड़े पैमाने पर पढ़ा, बस नाम चेंज किया। उसी प्रकार पढ़ा पंचायत व्यवस्था जो उड़ाव की है, वहां भी दो ही स्तर था, एक गांव पंचायत, एक पढ़ा पंचायत। जैसे गांव पंचायत में प्रमुख को महतो कहते थे, पाहन भी था वहां पे, इत्यादि अधिकारी थे। पढ़ा पंचायत था, उस पढ़ा पंचायत में दीवान थे, मंत्री थे, कोटवार था, वहां भी पाहन था। तो यहां भी दो ही स्तर है, लेकिन मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथालों की व्यवस्था है, या संथालों की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं, यह तीन स्तरों पर काम करती है, गांव स्तर पर, निम्न स्तर पर जिसके प्रधान को मांझी कहते हैं, उच्च स्तर पर परगना कहते हैं जिसके प्रधान को परगनायत कहते हैं, जबकि मध्य स्तर पर एक प्रशासनिक इकाई है जिसे देश मांझी के नाम से पुकारी जाती है। मतलब मांझी परगना शासन व्यवस्था में शासन की तीन इकाई है, गांव स्तर पर मांझी, मध्य स्तर पर देश मांझी, उच्च स्तर पर परगना। जबकि इसके पहले जो फर्स्ट जो थ्री था, उसमें प्रशासन की दो ही इकाई थी, गांव और पढ़ा। लेकिन यहां कितना स्तर पर हो गया, तीन। यहां जो पढ़ा चल रहा था, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सर्वोच्च इकाई थी पढ़ा, यहां उसका नाम हो गया परगना। छात्रगण, हम आज बात करेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था पर, और इसका पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, संथालों की शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था या मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। संथालों की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं, जो सौरिया पहाड़िया जनजातियों के द्वारा ग्रहण किया गया है। मतलब उसी के रूल्स को अपनाया गया है, जो सौरिया पहाड़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, जो सौरिया पहाड़िया जनजातियों के द्वारा ग्रहण किया गया है, उसी से लिया गया है। सौरिया पहाड़िया जनजातियों द्वारा ग्रहण किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट, मांझी शासन व्यवस्था तीन स्तरों पर, थ्री स्टेज, तीन स्तरों पर कार्य करती है। स्तरों पर कार्य करती है अर्थात गांव स्तर पर गांव की शासन व्यवस्था, गांव की शासन व्यवस्था जिसके जिया जिसे मांझी पंचायत उच्च स्तर पर परगना शासन, परगना शासन एवं मध्य स्तर पर देश मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं। काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, गांव की शासन व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट में है, गांव की शासन व्यवस्था के प्रधान को मांझी कहते हैं या मांझी कहलाता है, जिसकी सहायता हेतु जोग मांझी प्राणिक गोड़ाइत जिसकी सहायता है तो जोग मांझी प्राणिक गोड़ाइत नायके जिसकी सहायता है तो जोग मांझी प्राणिक गोड़ाइत नायके और भी है भाग दो और भी है लासेर पूरा नाम इसका लासेर टोंगाए चौकीदार नामक चौकीदार इत्यादि पदाधिकारियों की मुख्य भूमिका होती है। छात्रगण, मैंने बताया कि मांझी शासन व्यवस्था तीन स्तर पर काम करती है, गांव पंचायत, मध्य में देश मांझी पंचायत और सबसे हाईएस्ट परगना पंचायत। गांव के पंचायत ग्राम स्तर पे प्रधान को मांझी बोलते हैं, जिसकी सहायता हेतु जोग मांझी प्राणी गोड़ाइत नायके प्रज्ञा भगदो लोसरो टंगाए इत्यादि चौकीदार इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। छात्रगण, अब हम ये देखेंगे कि कौन से पदाधिकारी का कौन सा काम है और हम ये भी देखेंगे कि मांझी की अनुपस्थिति में इनमें से कौन काम करेगा। निश्चित तौर पे मांझी शासन व्यवस्था
संथालों की है। गांव स्तर पर अगर मांझी नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में सारे कार्य प्राणिक के द्वारा की जाती है। यद्यपि जोग मांझी सबसे प्रमुख सहायता किसे करता है, मांझी की करता है। छात्रगण, हम आगे देखेंगे इसमें से संदेश वाहक भी है, गुड़ाइत नायके पुजारी भी है, खासकर झगड़ों ढगड़ों का निपटारा भागदो करते हैं, शिकार का पदाधिकारी लासे टोंगा होता है, पुलिस का काम का करने का अधिकारी चौकीदार होता है। हम सब की व्याख्या करेंगे किसकी कौन सा काम है ग्राम स्तर पर, और जब ग्राम स्तर पर विवादों का निपटारा नहीं होगा तो चल जाएगा देश मांझी में, और देश मांझी अपना निर्णय नहीं सुना पाता है तो वो कहां भेजेगा, परगना के पास, और परगना संथालों की सबसे उच्च प्रशासनिक इकाई है, जो कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका का यहां निर्णय अंतिम रूप से होता है। तो छात्रगण लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी होता है। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी होता है, जिसे प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते हैं। उसी में मांझी गांव के जमीन जायदाद से जुड़े, मांझी गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा के साथ कर वसूलने, टैक्स कलेक्टर, कर वसूलने तथा विवाह संबंधों को स्थापित कराने का भी कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथा विवाह संबंधों को स्थापित कराने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जोग मांझी नामक पदाधिकारी मांझी का सहायक और एक प्रकार का उप सचिव की भांति कार्य करता है। मांझी का सहायक और एक प्रकार का उप सचिव का कार्य करता है उसी में जोग मांझी मांझी के कार्यों का सफल संचालन में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही साथ यह समाज के लोगों के आचरण पर भी करैक्टर साथ ही साथ यह समाज के लोगों के आचरण पर भी निगाह रखता है, निगरानी करता है। कौन? जोग मांझी। नेक्स्ट, प्राणिक भी एक प्रकार से उप सचिव होता है। इसे गांव का उप सचिव या उप मांझी, इसे ग्राम का उप सचिव या इसे उप मांझी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे उप मांझी कहते हैं।
जो उपमांझी कहते हैं, जो मांझी के अनुपस्थिति में, जो मांझी के अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संभालता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मांझी के अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संभालता है, कौन? प्राणिक, जिसे उपमांझी भी कहते हैं, जो मांझी के अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संभालता है। नेक्स्ट, गोड़ाइत, गोड़ाइत लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, गोड़ाइत मांझी का सचिव, गोड़ाइत मांझी का सचिव एवं एक संदेश वाहक की भूमिका निभाता है। मांझी, ऐसे देखिए, गोड़ाइत मांझी का सचिव एवं संदेश वाहक है, संदेश वाहक, संदेश वाहक है। यह किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी, यह किसी उत्सव, कोई फेस्टिवल हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने, ग्रामीणों तक पहुंचाने एवं गांव के परिवार से संबंधित, एवं गांव के परिवार से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करती है, सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करती है। इसके अलावा गोड़ाइत मांझी की आज्ञा का पालन करता एवं करवाता है। इसके अलावा गोड़ाइत मांझी के आज्ञा का पालन करता और लोगों से करवाता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पर लिखिए, भागदो मांझी, इसका पूरा नाम है भागदो मांझी, भागदो मांझी, भागदो, भागदो मांझी, भाग दो, ये है भागदो मांझी। इसमें लिखिए, भागदो मांझी मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे, भागदो मांझी मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों का निपटारा हेतु, निपटारे हेतु गांव के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित, भागदो मांझी मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के बुजुर्ग एवं प्रतिष्ठित और सज्जन लोगों का एक समूह है, ग्रुप है। भागदो मांझी मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु बुजुर्ग, प्रतिष्ठित और सज्जन व्यक्तियों का एक समूह है, समूह है। इसे ही भागदो मांझी कहते हैं, कहते हैं जो उपनायके, एक नायक है जो उपनायके की भांति कार्य करता है। ये उपनायके की भांति कार्य करता है, उसी में इस समूह को भूमि प्रदान नहीं की जाती,
इस समूह को भूमि प्रदान नहीं की जाती, नहीं की जाती। नेक्स्ट, चौकीदार मांझी प्रगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कार्य करता है। चौकीदार मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कार्य करता है जो मांझी के आदेश पर चौकीदार मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कार्य करता है किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट, नायके नामक पदाधिकारी गांव का धार्मिक प्रधान होता है, अर्थात पुजारी को ही नायके कहते हैं। और धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी का फैसला नायके ही करता है। नेक्स्ट, लासेर टेंगाए यह गांव के प्रहरी की भांति या गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा भी करता है। नेक्स्ट लिखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 5 से 8 गांवों को मिलाकर जो प्रशासनिक इकाई गठित होती है, उससे एक देश बनता है, जिसका प्रधान देश मांझी, या इसे मोड़े मांझी कहते हैं। उसी में जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता
जिन मामलों का निपटारा मांझी गांव स्तर पर नहीं कर पाता, जिन मामलों का निपटारा मांझी गांव स्तर पर नहीं कर पाता, उसे देश मांझी के पास फैसला के लिए भेज दिया जाता है, उसे देश मांझी के पास फैसला के लिए भेज दिया जाता है। दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मांझी शासन, ऐसे लिखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में, मांझी परगना शासन, ऐसे लिखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्चतर शासन व्यवस्था, सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सबसे उच्चतर शासन व्यवस्था जो जो 15 से 20 गांवों को मिलाकर बनता है, उसे परगना कहते हैं, जो एक अंतर ग्राम, मतलब बहुत ग्रामों का समूह, जो एक अंतर ग्राम में संगठन होता है, जिसके प्रधान को परगनायत, जिसके प्रमुख को, जिसके प्रधान को परगनायत कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, देश मांझी जिन मामलों का देश मांझी जिन मामलों को सुलझा नहीं पाता, उसे परगनायत के पास भेज देता है, देखा जाए तो देश मांझी परगनायत का, एक सहायक की भांति कार्य करता है, नेक्स्ट, यौन अपराधों की गिनती मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत यौन अपराधों की गिनती मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, जिसके लिए व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार, जिसे बिटलाहा की संज्ञा दी जाती है। बिटलाहे का अर्थ ही होता है सामाजिक बहिष्कार, किसके लिए? यौन अपराधों के लिए, जिसे बिटलाहा की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि वर्तमान में प्रशासन के हस्तक्षेप से
यद्यपि वर्तमान में प्रशासन के हस्तक्षेप होने से बिटलाहा सजा अब ना के बराबर है, नहीं के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, मांझी प्रगणा शासन व्यवस्था में दोषियों द्वारा या दोषी व्यक्ति द्वारा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर, बिटलाहा की सजा को समाप्त किए जाने की भी परंपरा है। बिटलाहा की सजा को समाप्त किए जाने की भी परंपरा है। उसी में यहां सबसे हल्की या सबसे कम सजा को करेला दंड कहते हैं, जो ₹5 से ₹150 तक जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यद्यपि परगनेत शासन व्यवस्था का सबसे उच्चतर स्तर है, हायर उच्चतर स्तर है, परंतु कुछ क्षेत्रों में जिन मामलों का निपटारा परगनायत नहीं कर पाता, उसे दिसुम परगना को हस्तांतरित किया जाता है, अर्थात यह परगनायत से उच्च स्तर का प्रशासनिक इकाई है। यद्यपि यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक शिकार परिषद होती है, जिसे जिसे
सिंद्रा बैंसी, जिसे सिंद्रा बैंसी, जिसे मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक शिकार परिषद, शिकार करना परिषद होती है, जिसे सिंद्रा बैंसी कहते हैं। कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से मांझी परगना शासन व्यवस्था में, समान रूप से मांझी परगना शासन व्यवस्था में सभी अधिकारियों का चुनाव एक अवसर है, एक उत्सव है, माघ सिम उत्सव का नाम है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सभी अधिकारियों का चुनाव माघ सिम अवसर पर किया जाता है। माघ सिम अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोबीर सिंद्रा, लोबीर सिंद्रा को संथाली शासन व्यवस्था में, सर्वोच्च न्यायिक संस्था, मतलब एक तरह से वो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायिक संस्था, हायर जुडिशरी इंस्टीट्यूशन, सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल जनजाति की, मांझी परगना शासन व्यवस्था को यूल, अंग्रेज है, यूल नियमावली बनाता है, यूल रूल्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूल रूल्स। संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को यूल रूल्स 1856 के आधार पर कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। यूल रूल्स 1856 के आधार पर कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में माह को, मतलब महीना को बोंगा के नाम से जाना जाता है, और संथाल जनजाति में माह को, महीना को बोंगा के नाम से जाना जाता है, और संथाल जनजाति में वर्ष की शुरुआत माघ बोंगा माघ बोंगा से की जाती है। वह जेठ अषाढ़ पूस माघ, वही माघ, माघ बोंगा से की जाती है। माघ एक हिंदी महीना है, माघ बोंगा से की जाती है। तो छात्रगण, हम लोगों ने अभी तक मुंडा शासन, नागवंशी शासन, पढ़ा शासन, मांझी परगना शासन व्यवस्था को देखा। हम नेक्स्ट क्लास में मुंडा मान की ढोकलो शहर और जाति पंचायत शासन व्यवस्था को लेकर हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।